हैं, शुरुआत हम करते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन से, क्योंकि कल ही जियो ने जो अपना टैरिफ सामने दिया और उसके जरिए सुविधाओं का जिक्र किया है, वो कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर पब्लिक सेक्टर को लेकर एक बीएसएनएल नाम की कंपनी भी थी, और बीएसएनएल को अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट में सरकार किसी तरीके से कोई पुश ना करती, सिर्फ उसको उसके भरोसे छोड़ देती कि तुम्हें जैसे मन चाहे वैसे कॉम्पिटेटिव मार्केट में कॉम्पीट करना है, तो यकीन जानिए क्या एयरटेल, क्या वोडाफोन, क्या जियो, कोई उससे आगे नहीं निकल सकता। एक पूरा सफर है जिस सफर पे हम आपको लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि कल जब यह बात सामने आई कि जियो 699 रुपए में 150 GB डाटा देगा, तो हमने बीएसएनएल की तरफ देखा, वो क्या करता है, वो 399 रुपए में असीमित डाटा देता है, लेकिन स्पीड नहीं है। जियो की स्पीड 100 MBPS है, लेकिन बीएसएनएल की स्पीड सिर्फ 10 है। मिडिल रेंज में जाइएगा तो 1299 में 750 GB डाटा देना चाहता है जियो, और बीएसएनएल सिर्फ असीमित डाटा देता है, जितना मन चाहे यूज कर लीजिए, लेकिन स्पीड 10 ही है। अब सवाल यह है कि अगर हाई क्वालिटी में भी जाइएगा तो 8499 जियो मांगता है और कहता है हम आपको डाटा दो देंगे, वह 1000 से 2000 के बीच का दे देंगे, GB इतना दे देंगे, लेकिन बीएसएनएल कह रहा हम आपको तो फ्री में कुल सारा डाटा देने को तैयार है, लेकिन उसके पास स्पीड नहीं है। और स्पीड नहीं है, ये 24 स्पीड है उसकी, 1000 की स्पीड है एमबीपीएस की। इसका मतलब है स्पीड से किसने रोका, हमें लगता है बीएसएनएल के सफर को समझिए अटल बिहारी वाजपेयी, सन 2000 में जब बीएसएनएल का जन्म होता है और उसके बाद जब इस देश के भीतर मोबाइल इंट्रोड्यूस होता है, तो बीएसएनएल वह चीज थी कि अक्टूबर 2002 में लखनऊ में वाजपेयी साहब फीता काट के उद्घाटन करते हैं, और 1.5 बरस के भीतर जियो इस देश में छा जाता है। इस छा जाने का मतलब यह है कि हर हाथ में बीएसएनएल फोन मोबाइल था, सिम के लिए पैरवी करनी पड़ती थी, मंत्री संतरी से अधिकारियों के पास पहुंचना पड़ता था कि बीएसएनएल का सिम मिल जाए, और स्थिति यह थी कि बीएसएनएल के पास 2005 में 35 हजार करोड़ रुपया कैश रिजर्व में पड़ा हुआ था, 2005 का जिक्र कर रहे हैं, यानी पूरे इफान पर था बीएसएनएल। चीजें डगमगाती कैसी है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हमने स्पीड से जिक्र किया तो जिस वक्त 3G आता है बाजार में, और उस समय मंत्री और कोई नहीं ये राजा हैं, वह बीएसएनएल को भेजते ही नहीं है उस कॉम्पिटेटिव मार्केट में, और वह 3G जो खरीदने की स्थिति उसकी यह आती है कि जो टेंडर यानी सबसे ज्यादा लाइंस जो थी उस समय, सबसे ज्यादा मोबाइल्स जो थे उस समय, सबसे ज्यादा टावर जिसके पास थे, सबसे ज्यादा फाइबर जिसके थे, वह रेस से बाहर कर दिया जाता है 3G के आने के साथ ही। और 3G स्पेक्ट्रम की 2010 में नीलामी होती है, बीएसएनएल को हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। अधिकारी कई बार कहते हैं जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, मंत्री महोदय उस दिशा में नहीं जाते हैं, और कुल मिला के जो बिड होती है उसमें प्राइवेट बिड जो लगती है उस कीमत या उससे कुछ ज्यादा कीमत पर बात में बीएसएनएल से कहा जाता है आप खरीद लीजिए 3G, यानी बिड करने की दिशा में जाइए जो सबसे बेहतरीन बिड कर सकता था। 17 से 18 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाता है 3G को लेने के लिए, और उसके साथ वाईमैक्स टेक्नोलॉजी ली जाती है जो कि ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस होता है, इसके लिए 16 से 17 हजार दिया जाता है। अगर बिड लगाई होती बीएसएनएल ने 2010 में, तो वह कीमत जो 17 से 18 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए वो घटकर सीधे 8 से 9 यानी आधे पर आ जाते। ये आधा पैसा किधर किस रूप में बांटा गया, चला गया, सरकारें ध्वस्त करती हैं किस रूप में, ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। लेकिन सवाल है कि उस दौर में बीजेपी ने खूब जोर शोर से चीजें उठाई थी, बीएसएनएल में यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको क्यों डुबाया जा रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बीएसएनएल की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो बढ़ने लगती है। 2014, 2015, 2016 में ऑपरेशनल प्रॉफिट जो बीएसएनएल का था वो 67 करोड़ था, 2015-16 में बढ़ता है 2000 करोड़ हो जाता है, 2016-17 में और बढ़ता है और ये 2500 करोड़ हो जाता है, और लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वाह बड़ा शानदार काम हो रहा है बीएसएनएल का, और उस समय पीठ थपथपाई जाती है IT मिनिस्टर की,
कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, और बोला जाता है हमारा देखिए पब्लिक सेक्टर किस रूप में काम कर रहा है। लेकिन 2016 में एंट्री होती है जियो की, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनका चेहरा हर अखबार के पहले पन्ने पर 2016 में छपता है, और यहीं से खेल शुरू होता है बीएसएनएल के ध्वस्त होने का। बीएसएनएल जियो जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ आता है, बीएसएनएल को खत्म नहीं कर पाता है, वो खत्म करता है एयरसेल को, वो खत्म करता है टाटा टेली सर्विसेज को, वो खत्म करता है रिलायंस इंफोकॉम को, वो खत्म करता है टेलीनोर को, बीएसएनएल मार्केट में फिर भी पे है। और शुरुआत में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी का जिक्र होता है 2016 में, एक बार फिर जो 2010 में 3G के साथ हुआ 2016 में 4G के साथ होता है, बिड में शामिल नहीं करने दिया जाता है, और बीएसएनएल के अधिकारी एक दो नहीं 17 पत्र लिखते हैं, 17 बार लेटर लिखते हैं। उस समय मनोज सिन्हा उसके मंत्री हुआ करते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो थे जानकारी देते इंटरनली, वो सारे लेटर्स पीएमओ की दिशा में चले जाते थे, कोई जवाब नहीं, 17 लेटर्स का कोई जवाब नहीं, 4G की बिड नहीं लगा पाता है बीएसएनएल, चीजें खत्म होती है, और उसके बाद 5G की तरफ हर कोई बढ़ने लगता है, तो बीएसएनएल कैसे बढ़े? 3G तो आपने खरीद लिया था तमाम दुगना पैसा देकर, 4G में आपके पास है नहीं टेक्नोलॉजी, 5G आप बिड में आ नहीं सकते हैं जब तक उस रास्ते से नहीं आएंगे, और इंटरनली स्थिति यह है कि बीएसएनएल अपने रिसर्च विंग के जरिए 7G तक काम कर चुका था, जो सिर्फ साउथ कोरिया कर रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ये चीजें चल रही हैं, डेवलप हो रही है, जो बीएसएनएल में हो रही थी, लेकिन यहां पर चीजें रोक दी जाती है। अब सवाल यह है कि 20,000 करोड़ का अचानक घाटा नजर आता है, लेकिन बीएसएनएल के लिए क्या मायने रखता है? जिस बीएसएनएल की देश भर में जमीन 1,00,000 करोड़ की हो, टावर सिर्फ 20,000 करोड़ के हो, जो फाइबर बिछा हुआ है वो तकरीबन 80,00,000 करोड़ का हो, उसके लिए क्या मायने रखते हैं? लेकिन ना, वो दौड़ में नहीं है, और जितने GB डाटा मिलेंगे इसको लेकर जो हमारे घरों पर और ऑफिसों में जो आते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के खिलाड़ी सब जो आते रहते हैं, और अब जियो भी जो बेच रहा है, बीएसएनएल तो शुरू से कह रहा है आप इनफिनिट डाटा लीजिए हमसे, लेकिन स्पीड उसके पास नहीं है, यानी जान निकाल ली गई है चिड़िया की, सोना ही नहीं गलाया गया है बल्कि उसकी गर्दन दबा दी गई और बोला गया है उड़ के देखो तुम्हारे पास पंख तो है। यह पब्लिक सेक्टर का इस देश में खेल होता है, और अब जानकारी हमारे पास आ रही है तकरीबन 58,000 कर्मचारियों को VRS की स्थिति में भेजा जा रहा है। ये कौन सी स्थिति है? अपने ही प्राइवेट सेक्टर को जो आपने कौन जिम्मेदारी लेगा?